नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अवधेश एक्सपेरिमेंट माइंड को चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अवधेश चौहान उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको 4 वोल्ट बैटरी का चार्जिंग सर्किट बना के दिखाऊंगा, जिससे आप बैटरी को डायरेक्ट 220 वोल्टेज से बिना ट्रांसफार्मर के बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये सनका कंपनी की एसेट बैटरी है और ये बैटरी 4 वोल्ट 1.5 एम्पियर की है। तो इसके लिए हम एक चार्जिंग का सर्किट बनाएंगे। तो इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पीएफ चाहिए, जो कि 105 जे का है और 400 वोल्टेज का है। और इसके बाद हमें 4 डायोड चाहिए और ये डायोड 4007 नंबर के हैं। और एक रेजिस्टेंस चाहिए, ये रेजिस्टेंस बनके का रेजिस्टेंस है। और लास्ट में हमें एक ग्रीन एलईडी चाहिए इसके इंडिकेटर को बनाने के लिए। तो चलिए इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये 4 वोल्ट बैटरी है और इसमें दो पॉइंट हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। प्लस वाले पॉइंट पे यहाँ प्लस लिखा हुआ है और माइनस वाले पॉइंट पे यहाँ माइनस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस बैटरी के प्लस पॉइंट पे एक डायोड लगा लेना है। और डायोड में हमारी दो पिन है, एक जो प्लस की है और एक माइनस की है। जो वाइट वाली साइड होती है ये प्लस की होती है और जो ब्लैक साइड होती है ये माइनस की होती है। तो हमें इसकी वाइट साइड को आगे को करके लगाना है। इसकी ये प्लस साइड है और बैटरी की ये प्लस पिन है, तो दोनों को एक दूसरे से जॉइंट कर देना है। अब इसके बाद हमें दूसरा डायोड लगा लेना है। इस डायोड की प्लस साइड को बैटरी की प्लस पिन पे इस पोजीशन में लगा देना है। अब इसके बाद हमें तीसरा डायोड लगा लेना है और इस डायोड की प्लस साइड को आगे को डायोड की ओर करके लगाना है। अब इसके बाद लास्ट में हमें चौथा डायोड लगा लेना है और इसकी प्लस साइड को आगे को रखना है और माइनस साइड को पीछे को रखना है, इसी पोजीशन में लगा देना है। अब देखिए, इन चारों डायोड का बन गया एक डायोड ब्रिज और इन दोनों की प्लस साइड हमारी बैटरी के प्लस पॉइंट पे आ गई और एक माइनस साइड इसकी इधर आ गई। दो पॉइंट बन गए इसमें, एक प्लस का और एक माइनस का। अब इसके बाद इस डायोड ब्रिज के माइनस वाले पॉइंट पे हमें एक ब्लैक वायर लगा लेना है। अब इस वायर के दूसरे सिरे को हमें बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पे लगा देना है। इसके बाद हमें डायोड ब्रिज पर एक 155 जे का पीएफ लगा देना है। अब इस बैटरी पर हमें एलईडी का एक इंडिकेटर लगा लेना है और इस एलईडी में दो पिन है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। बड़ी वाली पिन जो होती है ये प्लस की होती है, छोटी वाली पिन जो होती है माइनस की होती है। अब इस एलईडी की माइनस वाली पिन को बैटरी की माइनस वाली पिन पर लगा देना है। अब इस एलईडी और डायोड ब्रिज पर हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लगा देना है और इस रेजिस्टेंस को आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें प्लस माइनस का कोई हिसाब नहीं होता है। अब इस पर हमें मेन लीड के कनेक्शन कर ले रहे हैं, जो कि हमारी एसी 220 वोल्टेज आएंगे। तो एक वायर हमें यहाँ पीएफ पे लगा देना है और दूसरा वायर हमें डायोड ब्रिज पर लगा देना है, यहाँ रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है। तो देखिए, हमारा सर्किट अब बनके तैयार है और इसको चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसमें कितने है। तो हमने अपना मल्टीमीटर जो है 20 वोल्टेज पर सेट कर लिया है और इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं। देखिए, इसके 3.317 वोल्टेज के आसपास है। इसमें इसके चार्जिंग के बाद वोल्टेज चेक करके देखते हैं फिर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर हमारी बैटरी के सर्किट में 220 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है तो आपको इस बैटरी को टच नहीं करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एसी के वोल्टेज आते हैं। जब पीएफ से जहाँ सीरीज में होकर इसकी लाइट आती है तो इसको टच नहीं करना है। अगर आप इसको टच करोगे तो आपको करंट भी लग सकता है, तो ये सावधानी आपको बरतनी है। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं फिर। देखिए, इस सर्किट में अब हमने 220 वोल्टेज एसी के दे दिए हैं और हमारा ये इंडिकेटर जल रहा है। और इसके वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखा दूं, देखिए 5 वोल्टेज से कुछ ऊपर दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है तो ये 5 से ऊपर जाएंगे वोल्टेज तो ये चार्ज होने लग जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।